A part of this video is sponsored by Rapkart.com. What's up guys, Abhishek here और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Samsung Galaxy A50 के नवंबर सिक्योरिटी पैच अपडेट के बारे में। गाइज मैंने अपने चैनल पर कल पोस्ट यहाँ पे डाल के आपको बताया था कि हमारे फोन में यहाँ पर अपडेट आ गया है और अभी आपको यहाँ पर अपडेट नहीं करना है। काफी लोगों ने कर लिया था, बट यार आज के इस वीडियो में बताया था क्या कुछ यहाँ पे नया है, क्या हमें यहाँ पर बग देखने के लिए मिल रहा है जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पर मना कर रहा था फोन को अपडेट करने के लिए। तो गाइज जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो अपडेट का साइज है वो 135 MB का है और यहाँ पर क्लियरली मैंशन है वर्ड्स न्यू में कि यहाँ पर इंप्रूव किया गया है फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन एल्गोरिदम्स को फॉर बेटर रिकॉग्नाइजेशन एंड रिकमेंडेड दैट यू रिमूव योर फिंगरप्रिंट एंड रजिस्टर देम अगेन। मतलब गाइस जितने भी फिंगरप्रिंट हमने यहाँ पर रजिस्टर कर रखे हैं उनको डिलीट करके दोबारा से हमें यहाँ पर रजिस्टर करना है ताकि फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो बेटर तरीके से काम करे। सैमसंग ने रिसेंट अपडेट्स में भी ऐसा ही कुछ किया था और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी ऑफ द डिवाइस हैज बीन इंप्रूव्ड आफ्टर अपडेटिंग यू विल नॉट बी एबल टू डाउनग्रेड योर फोन। तो ये आपको तो याद रखना है कि डाउनग्रेड आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद गाइस कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइस स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट्स बग फिक्सेस न्यू एंड एनहांस फीचर्स वगैरह जो नॉर्मल सी चीजें हैं। तो गाइस मेन यहाँ पर एक तो नवंबर का सिक्योरिटी पैच हमें देखने के लिए मिल जाएगा, ऊपर से फिंगरप्रिंट सेंसर को इंप्रूव करने की यहां पर बात की गई है। बट गाइस इस अपडेट के बाद काफी ज्यादा लोगों का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो रजिस्टर नहीं हो रहा है और उनको प्रॉब्लम आ रही है फिंगरप्रिंट रजिस्टर करने के अंदर। तो गाइस सबसे पहले तो आपको रजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट्स को यहाँ पर रिमूव करना है जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया है और उसके बाद आप अपने फिंगरप्रिंट को दोबारा से यहाँ पर रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ एरर देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो काफी अच्छी बात है, बाकी इसका सोल्यूशन लेकर भी मैं जल्दी आने वाला हूँ, कल की वीडियो में आपको बता दूंगा। तो गाइस अगर रजिस्टर करते हो आपको कुछ एरर देखने के लिए मिलता है जैसे कि आपके फिंगर यहाँ पर ड्राई होनी चाहिए या फिर साफ होनी चाहिए, तो गाइस सब कुछ साफ होने के बाद भी यहाँ पर कुछ एरर दिखाता है। तो गाइस मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आप ये चाहते हो कि आपके फोन में कोई दिक्कत ना आए तो आप इसको अपडेट मत करना। अगर कोई नेक्स्ट अपडेट आता है तो मैं जरूर से चैनल पे अपने वीडियो बना के आपको बता दूंगा, बाकी इसका सोल्यूशन कल ही मैं आपको बता दूंगा। तो डोंट वरी गाइस, अगर जिन लोगों ने यहाँ पर अपडेट कर लिया उनको प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो गाइस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी इस वीडियो के अंदर कुछ नया है नहीं बताने के लिए। तो गाइस अभी के लिए इस वीडियो को जरूर से लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके यार बेल आइकन को जरूर दबाना और ऑल नोटिफिकेशन पे कर देना ताकि ऐसी वीडियो जब भी मैं डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाए। तो गाइस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सो गाइस ये जो वीडियो है स्पॉन्सर करी है Rapkart.com ने, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Rapkart एक गाइस स्किन बनाने वाली कंपनी है जो कि बहुत ही कमाल की स्किन्स यहाँ पर बनाती है सारे स्मार्टफोन्स के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने A50 मैक्स प्रो M1 ये काफ़ी सारे डिवाइसेस पे अपने स्किन में यूज़ करता हूँ। काफ़ी लाइट वेट होती है, बल्क ऐड नहीं करती है, आपके डिवाइस के ऊपर स्क्रैचेस से बचाती है और काफ़ी कमाल का यहाँ पर लुक दे देती है। और काफ़ी ज़्यादा चीप स्किन्स है बट हाई क्वालिटी स्किन्स है जो कि 250 रुपीज़ से यहाँ पर स्टार्ट होती है। साथ ही आपको यहाँ पर प्रोमो कोड भी मिल जाएगा मेरा Geek10 का, जिससे आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जरूर से चेकआउट करना Rapkart.com को, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और गाइस प्रोमो कोड को यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना Geek10 को।